हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। जैसा कि आपको इंग्रेडिएंट्स देखने से ही पता चल रहा है कि मैं एक सैंडविच बनाने वाली हूं, तो ये है कॉल्सलो सैंडविच। ये ठंडे खाए जाते हैं और मैं बताऊं आपको, अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो उसके लिए सैंडविच लाजवाब है। तो सबसे पहले हमने एक कप ये तीनों तरह की कैप्सिकम को काट लिया है, बेल पेपर, येलो, रेड, शिमला मिर्च हरे वाली, और ये एक गाजर को हमने बारीक काट लिया है। ये पनीर के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, ये भी 1/4 कप हैं। एक हरी मिर्च को काट लिया है। चिली फ्लेक्स और हरी मिर्च ना आप स्किप कर सकते हैं अगर आप बच्चों को दे रहे हैं। ये अच्छी सी टेस्टी सी ग्रीन चटनी है। बटर रूम टेम्परेचर पर है, सॉल्ट है, और ये देखिए आप, 1 चम्मच ओरिगेनो है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स हैं और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, काली मिर्च पाउडर, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये टोमेटो केचप लिया है हमने, और यहाँ मैं बताऊँ आपको, मैंने हंकर्ड ली है 2.5 टेबल स्पून, और ये 2.5 टेबल स्पून मैंने मेयो ली है, वेज मेयो, और ये हमने एक क्यूब को, अमूल की एक क्यूब को ग्रेट कर लिया है, प्रोसेस चीज जो आता है अमूल का। और ये ली है हमने ब्रेड, आज मुझे ब्राउन ब्रेड नहीं मिली तो मैं व्हाइट यूज कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, इसके 6 स्लाइस हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड पर बटर लगाते हैं। ये देखिए, तीनों स्लाइस पर हमने इस तरह से बटर लगा लिया है। सर्दी है तो बटर थोड़ा सा जमा हुआ है, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब ये हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सारी जो वेजिटेबल्स हैं उनको मिक्स करेंगे, यानी स्टफिंग बनाएंगे। तो मैंने ये तीनों इसको ले लिया है, शिमला मिर्च को, बेल पेपर को, और अब हम इसमें ये डाल रहे हैं पनीर, कैरेट, ग्रीन चिली। अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेटेड चीज। आप टेस्ट करके देख लें, अगर आप कुछ स्किप करना चाहते हैं, नहीं आपको वो अच्छा लगता सब्जी में, तो वो आप हटा दीजिए, कॉर्न डाल दीजिए, पनीर ज्यादा खाते हैं तो पनीर ज्यादा यूज कर लीजिए। तो ये सब आप पर है, आप कैसे उसको खाना चाहते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, हंकर्ड, चीज, चीज हम डाल चुके हैं, मेयो, और इनको हम सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, और बस ये इतना चीज हो, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए कि बाइंड हो जाए आपका, वो अच्छे से ब्रेड पे जो है स्टफिंग लग जाए। और बहुत बारीक काटिए, फाइनली चॉप करना है आपको चीजों को। इसको करते हैं मिक्स, देखिए कितना बढ़िया ये लग रहा है, और टेस्ट करके देखते हैं। ये देखिए स्टफिंग जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार है, अच्छे से बाइंड हो गई है, आप देखिए। अब हमने ब्रेड लेंगे और 2 ब्रेड पर हम हरी चटनी लगाएंगे। अच्छा, क्योंकि हमने ये रखने वाले सैंडविच बनाने हैं कि हम ट्रेवल करें तो लेके जाएं, तो बटर जरूर लगाइएगा, नहीं तो अगर रख देंगे ना आप चटनी लगा के तो बिल्कुल सोगी हो जाएंगे, आपको खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो 2 ब्रेड पर हम लगाएंगे हरी चटनी और 1 पर लगाएंगे हम टोमेटो केचप। तो ये देखिए, ब्रेड पर 2 पर हमने हरी चटनी लगा ली है, 1 पर हमने टोमेटो केचप लगा लिया है। आप चाहें तो इनकी साइड ना पहले से कट कर सकते हैं ब्रेड की, लेकिन मैं सैंडविच बनाने के बाद कट करती हूं, और ये स्टफिंग ना हम अच्छे से लगाएंगे इसमें। तो ये पूरे ब्रेड पे हम स्टफिंग को अच्छे से फैला लेंगे। देखिए ये स्टफिंग जो है अच्छे से लग गई है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी लग रही है। अब हम इसको ये टोमेटो सॉस वाली जो ब्रेड है इससे पैक कर देंगे, यानी ग्रीन चटनी और टोमेटो सॉस, इनका जो फ्लेवर है ना वो आपको इसके अंदर ही मिलेगा, आपको अलग से चटनी यूज करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसके ऊपर ना, जो ब्रेड हमने पैक की है इसके ऊपर भी बटर लगाएंगे, थोड़ा बटर लगाएंगे। बटर लग गया है, अब हम टोमेटो सॉस लगाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। आप ये सिंगल लेयर में भी बना सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं कुकुम्बर के साथ,
और अब हमने सोचा कि टमाटर भी लगा लेते हैं, तो और सब्जियां इसमें चली गई हैं, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे एक टमाटो स्लाइस। तो ये बहुत अच्छा वेजिटेबल सैंडविच आपका बनके तैयार है। आप मार्केट से खरीदेंगे ना तो ऐसा फ्रेश और ऐसा नहीं मिलेगा, आप पहले दिन बना के रखेंगे, बहुत यमी लगेगा। थोड़ा सा हम इसमें नमक और काली मिर्च डाल देंगे, बहुत सोच समझ के डालिएगा आप, ज़्यादा ना डालें क्योंकि सब चीज़ों में नमक है। और ये लिया है हमने एक चीज़ स्लाइस, मैं डिस्क्रिप्शन में सभी इंग्रेडिएंट्स लिख दूंगी। इसको हम लगाएंगे ऊपर से ऐसे, और जो हरी चटनी का सैंडविच है, ब्रेड है, उसको हम ऐसे पैक कर देंगे। अब हम इसको ना हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे, सैंडविच को हल्के से प्रेस करेंगे, और जो ब्रेड नाइफ है उससे हम साइड्स कट करेंगे। इससे ना साइड्स बहुत अच्छे से कट हो जाती हैं। देखिए कुछ इस तरह से सैंडविच के साइड्स कट हो जाएंगी। तो हम तीनों तरफ से कट कर लेते हैं, चारों तरफ से हमने कट कर लिया है। अब हम इसको ना ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे स्क्वायर भी बना सकते हैं ताकि खाने में जो है वो इजी लगे। ये देखिए कितने बढ़िया ये सैंडविच बनकर तैयार हैं। हरी चटनी है, चीज़ है, टोमेटो सॉस है, वेजिटेबल्स हैं, और इनको आप क्लिंग रैप में पैक करके या फॉइल में पैक करके ना एयर टाइट कंटेनर में आप फ्रिज में रख दीजिए, नेक्स्ट डे जब आपको जाना है आप ले जाइए। तो करते हैं इसकी प्लेटिंग। थैंक यू सो मच। क्या सैंडविच हैं यार, काश मैं आपको ये खिला पाती। बहुत टेस्टी हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। कोई भी सब्जी डालिए, बस मेरे मेथड से बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।